वेलकम अच्छा नाउ वी आर गोइंग टू डू एनालिसिस ऑफ फ्री फायर प्रोली ग्रैंड फाइनल्स सबसे पहले आई विल शो यू गाइज आई एम फॉर्चुनेटली लिकीपीडिया वेरीफाइड एंड मैंने इतनी भी इवेंट्स करी हुई हैं एंड दिस इज इट अब इसके बाद वी आर हेडिंग फॉर दिस फ्री फायर प्रोलीग लीग स्टेट से हम डिस्कस करना शुरू करेंगे बिकॉज इट हैज बीन अ वेरी वेरी लॉन्ग जर्नी एंड वर्थ डिस्कसिंग एवरी सिंगल टाइम एंड डे ओवरऑल की बात करेंगे अगर if there's a team that we need to talk about i would say no doubt Shemini sports nigma total gaming chaos tsm godlike arrow uh, sorry aura bahut perform hai, but the first person first name that comes rings into my head is revenant esports amateur team hai, and they are they have qualified on number one now what advantage are they going to get with this i'll tell you

Revenant is 14 points ahead of PVS. That means if PVS uh, secures like uh, Boya in the first game also, they might not go ahead of uh, Revenant also like in final point table. Yes, yes, बिल्कुल सही. Uh, they, even if even oh, that if that is a lot of di disadvantage. And that is like one Boya with two kills and ये ye advantage काफी ज़्यादा strong है and PVS is going to start with zero points and ये ye zero yeah, points अभी feel नहीं करेगा but gradually बहुत effect करेगा in long six matches. So it will yeah effect.

but they might have done like you know like more, Analysis. more hard work or like yes practice kara yeah. because ye gap that is exactly where you work on improving yourself now talking about yeah. uh, talking about total gaming a comeback story likhi thi they had total of 81 points 83 or 81, like, they had 81. 81 they had 81, 81 by, yeah, by yeah, the yeah, end yeah. of the day and 83 points revenant esports ne day 5 may achieve kiye and ah, i guess, yeah. i think they are the high nahi tsm india was the highest point achiever एटी सेवन पॉइंट इमेजिन अगर ये फॉर्म में टी एस एम आ जाती है तो दे कैन टर्न इन टू एन अनस्टॉपेबल पावर टीम केयर्स डिट क्वालिफाई फाइनल डे पर एटीज के स्कोर से क्वालिफाई हुई है एंड टीम के ओर्स की एंड टोटल आई वॉज कन्फ्यूज बिटवीन पिकिंग ट्वेल्व टीम्स आई वॉज कंसिडरिंग सेशन और टीम केयर्स में एक टफ कॉम्पिटिशन होगा क्वालिफाई होने में बट आई वॉज हैविंग मोर ऑफ अ पॉइंट टू स्पीक अबाउट औरंग भुटान एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड इवेंट रनिंग इन टू एंटायर टोर्नामेंट मैंने सोचा ही नहीं था कि औरंग भुटान विल बी वन ऑफ द टीम विच माई टू नॉट गेट क्वालिफाइड एंड गॉड फॉर बिट दे कु नॉट एंड आई डोंट नो वॉट वेंट रॉन्ग एंड अगर उरांग भूटान की स्टडी करेंगे ना दे वेंट फॉर देवर चोक सेवरल टाइम्स थ्रू आउट द टूर्नामेंट नहीं थर्ड पार्टी इफेक्ट बहुत ज्यादा हुआ था उंग भुटान जब फाइट ले रही थी दे डिड नॉट कंसिडर के एक साइड से फाइट लेनी ओपन एरिया में फाइट काफी ज्यादा ले ली थी तो जिसके चलते देवर लूजिंग प्लेयर्स एंड देन आफ्टर लूजिंग प्लेयर्स आप एक हैंडी कैप पोजिशन में आ जाते हो फिर बुया निकालना इट इज़ लाइक अ ड्रीम कम ट्रू आई शो यू वन थिंग टीम के ओर्स का मेरा बेस्ट प्ले अगर एंटायर फ्री फायर प्रो लीग में कोई होगा ना ये है गाइज इफ यू वॉन्ट टू शेयर इट यू कैन विडियोज एंड देखो ये मेरा फेवरेट प्ले है

उटुडा मैप शिप यार्ड पे शेर स्पॉट अन्डाउट टाइटल गौरव इंदुजाइस अकॉर्ड ए कॉल यू फ्रेंड्स इन एवरी वन ना के वी आर डिस्कसिंग सब साथ में मिलकर करेंगे तो एनालिसिस ईजी हो जाएगी एंड शिप यार्ड पर भी क्या शिपयार्ड पे वी कैन एक्सपेक्ट ऑब्जर्वेटरी पे गॉड लाइक वो तो इट्स लाइक अनडिनाइबल फैक्ट फैक्ट्री पे हमको दिखेगी टीएसएम एंड मार्स इलेक्ट्रिक पे भी टी एस एम अबी पोचिनोक yeah. पे कौन जाएगा पोचीनोक नेवर गोज एम मुझे मुझे, मुझे यह लग रहा है देखिए नॉर्मली के बट एनजीएक्स हाँ। पीक छोड़ने वाली नहीं है हाँ। किसी भी हालत पे वो लोग चाहे मतलब फाइट लेंगे बट पीक नहीं छोड़ेंगे एंड केएम हाँ। ब्रदरवुड माइट गो फॉर हैंगर और, और पोचीनॉक क्योंकि शायद फाइनल पे पोचीनॉक पे किसी टीम का ड्रॉप भी नहीं होगा शायद से एंड दे माइट वो हैंगर तो मतलब लाइक नॉर्मली खाली ही होता है लाइक नॉर्मली और लीग स्टेज पे भी ज्यादा टीम जाती हुई नहीं देखी सो मुझे लगता है की एम ब्रदरव गो फॉर पोचिनोक और हैंगर इफ दे डोंट वॉन्ट टू टेक रिस्क लाइक ड्रॉप को लाइट कोई भी हेजिटेट hmm. नहीं कर रहा चाहे फर्स्ट मैच हो hmm. चाहे लास्ट मैच हो दे 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 ऑल 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 आर 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 हैव हैव टर्न फ्री फियरलेस फियरलेस तो ऑफ ऑफ कोर्स हुए बट अ hmm. uh, कहीं पर भी रेडी टू टेक लीप जंप एंड दैट एन अप्रोच आई आई थिंक हमें टोटल गेमिंग जो अभी वो लोग स्प्लिट पे खेल रहे हैं ना ड्रैगो और माफिया एक तरह एंड दूसरी तरफ लाइक uh, क्या बोलते हैं फोजी अजय एंड डिलीट दोनों स्प्लिट स्प्लिट पे खेल रहे बहुत अच्छा गेमिंग गेमिंग जा रहा है टोटल गेमिंग का भी एक ग्रेनेड से दो नॉक तीन नॉक चार नॉक एंड इट इज अमेजिंग टू सी ट्रीट टू आईज सो आई थिंक एंड टॉकिंग अबाउट निगमा एंड वी हैव सीन देम गोइंग रिपीटेडली टीम जो ड्रॉप पॉइंट रिपीटेडली चेंज करती रहती है सो दिस इज गोइंग टू बी ड्रॉप पॉइंट फॉर द मैप ऑफ बॉर्मोडा नाउ वील गो फॉर कालाहारी या परगेट्री पहले कर रही है

थे खेलते थे बट अभी फोजी फ्री नाउ ही कैन प्ले सपोर्टर रोल, ड्रैगो ड्रैगो एंड एंड डिलीट द इन डिपार्टमेंट माफिया पीछे से देते तो के आने लाइक ऐसा होता है एंड वी कैन सी द रिजल्ट ऑल्सो दे आर जस्ट डूइंग आउटस्टैंडिंग इन टूर्नामेंट्स ऑफिशियल हो या फिर ऑफिशियल हो एंड नाउ इफ यू टॉक अबाउट ड्रॉप ड्रॉप पॉइंट मार्बल वर्क्स के पास हमें शेमिनी स्पोर्ट्स नज़र आ जाएगी मोट हाउस पर हु विल गो Uh, मो, mm, no. उसरुड yeah. yeah. भी कोई भी ड्रॉप शेयर नहीं करता उनके साथ एंड दैट इज गुड टू गुड टू गो बिकॉज अल्टीमेटली सर्कल सदन आ रहे हैं आजकल मेटा के हिसाब से वी आर नोट सी सर्कल वी आर नॉट सी ये एडवांटेज पॉइंट में कन्व

सो टू अवॉइड टू अवॉइड क्लैश उसको इस तरीके से स्प्रेड आउट पर फोकस दिया जाएगा येस द पॉइंट ऑफ डिस्कशन वेरी ट्रू एंड नाउ लेट्स हेड फॉर द मैप ऑफ कालाहारी कालाहारी का तो देखने में इट इज गोइंग टू बी एन एंटायर डिफरेंट सेटरीना एंड इट हैज द ड्रॉप एजेस चेंज ही नहीं हो रहा चेंज ही नहीं हो रहा एंड कैम इन रिफाइनरी टी एस एम ओल्ड हैम्पटन फिर ऐसे आर्मी को हम सब पे देखते हैं यूजली कमांड पोस्ट गॉड लाइक मैमथ रेवेन्यू टी स्पोर्ट एंड काउंसिल हॉल पर निगमा गैलेक्सी बिकॉज वी नो ओ जी इज नॉट योट एंड्रंट तो पूरा बे फ्रंट टीम क्यों जाती है बे फ्रंट पे यार बट

असैसन आर्मी को असैसन आर्मी द सब पे भी जाती है द सब पे वी हैव स्पॉटेड देम एंड आई हैव गॉट रिटन इट इन टू माई एनालिसिस बुक असैसन आर्मी द सब पे भी जाती है द सब पर भी जाती है यस yes. टीम इंसेन का तो श्राइंस हो गया हमेशा सदन आईलैंड पर स्पॉट हुई है रेवेनेट इज डेफिनेटली गोइंग टू गो देर एंड टॉकिंग अबाउट और वेस्टर्न लैंड पे दिखती है ना माउंट विला के पास

Revenant ने सबसे ज़्यादा .111 निकाला है। Revenant, ब, बर्मुडा strong. Assassin का भी बर्मुडा बहुत श्योर बट कम से कम थ्री yeah, yeah. में स्पॉट होती है सैसन का बर्मुडा मैप इज वन ऑफ द फाइनेस्ट मैप आई मीन आधे ठाकुर इज द प्लेयर आई एम वॉचिंग आउट फॉर ही दिस टाइम बहुत ही

लाइक एंड एम वी पी जब भी निकले हैं ना देर इज नो वन रीचिंग द मार्कर ऑफ ट्वेंटी इट इज ओनली केम ब्रदरहुड के ड्रैगोर्ग जो ट्वेंटी फ्रैग्स के साथ एम वी पी हुए हैं तो एज एन भी एक मेच्योर टीम में से होंगे जो ग्रैंड फाइनल्स में अगर चल गए तो आई थिंक दे इज नथिंग दैट कैन स्टॉप दम दैट इज वॉट आई पर्सनली फील एंड सेकेंड हाइस्ट ट्राइगर इज ओल्ड मॉन्क फ्रॉम टी एस एम तो टी एस एम इज़ ऑल्सो रिलाइंग ऑन ओल्ड मॉन्क सो ओल्ड मॉन्क नीड्स टू मेक श्योर ही सर्वाइव्स अंटिल द एंड ही नीड्स टू मेक श्योर दैट बिकॉज ओल्ड मॉन्ग जब yeah. जब एलिमिनेट होता है हमने देखा है टी एस एम वहां पर एलिमिनेट शेक होना शुरू हो जाती है सो दे नीड टू मेक श्योर दैट ओल्ड मॉन्ग सर्वाइव फॉर एस लॉन्ग एसिबल एंडलीट थर्ड हाईस्ट्रैगर संगम एंड राधे ठाकुर आर शेयरिंग द फ्रैग थर्टीन थर्टीन संगम अगैन ओके टॉप केम ब्रदरहुड इज दीम जो एम बी पी ऑफ द डे में दे आर हैविंग टोटल ऑफ टू प्लेयर्स फ्रॉम द नेम टू एमवीपी अदरवाइज सब टीम्स बदलते जा रही है एंड uh, इस exactly. बार इस बार का प्रो लीग इज गोइंग टू बी डिस्ट्रेक्टिव की बात करें आर्मी भाई and, वो एस एस एन आर्मी एंड टोटल गेमिंग के फॉर्म की बात करें अगर हम तो टोटल गेमिंग इज टीम जो फर्स्ट वीक में सबसे गंदा खेले थे वॉच आउट फॉर कमिंग इन फ्रॉम टोटल गेमिंग आई नो ही इज न्यू इन द टीम बट ही इज डूइंग एवरी थिंग रिक्वायर्ड एंड डिलीट एज वेल डिलीट एंड ड्रेगॉर्ग की जोड़ी आई कॉल देम डॉक्टर

डिस्ट्रक्टिव ड्यूज बिकॉज ये दो चल जाते हैं टोटल गेमिंग में दे गो इन सैन एंड आई एम श्योर कि अगर ये दो चल गए टोटल गेमिंग माई टू विन अवे द टाइटल फॉर फ्री फायर एंड दे आर द डिफेंडिंग चैम्पियंस उनके पास टाइटल है सो मे बी दिस इज दिस इज वन ऑफ द थिंग दैट आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट लेट्स अगेन गो टू द फाइनल लिस्ट तो हमें अब मिलेगा रेवन इन टी स्पोर्ट्स बात कर ली शे में निगमा गैलेक्सी इज ऑल्सो टीम जो मोस्ट कंसिस्टेंट थी हर बार फिफ्टी सिक्सटी yes. के स्कोर में दिखी है नॉट गोइंग बियॉन्ड बट एट द सेम टाइम दे आर नॉट गोइंग बिलो दैट दे आर नॉट गोइंग बिलो दैट एग्जैक्टली गैलेक्सी लाइक वासियों की तरफ से हो या फिर ताहिर हो ताहिर ताहिर से मतलब... वासियों का ब्रेन पावर इज अमेजिंग आई इज अमेजिंग बट देन ताहिर का जो फायर पावर निकल के आता है एंड ये एक अच्छा सिनर्जी सेट होते हुए नजर आ रहा है वासियो एंड ताहिर का सिनर्जी इज ग्रेट वी टॉक्ड अबाउट टीम इन टोटल गेमिंग टीम के परगेटरी में रूल करना इनके लिए बेसिक नेसेसिटी है केम ब्रदरहुड के एलिमेंट ऑफ सरप्राइज आइजन चलने चाहिए एंड आई थिंक इफ आइजन इज वर्किंग गुड Uh, it is going to be a distra devastating day for everybody else. Godlike esports. Nivesh. 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 For sure. Yeah. TSM. Akash Deep. Nivesh. Akash Deep as well. Yes, yeah. as a sniper, Akash yeah. is also doing very good work. Correct, correct. Akash Deep is also a player to watch out for from Godlike Esports. Talking about team TSM India, Old Monk, uh, Mr. J. Mr. J uh, is, is uh, in need of I a per, little extra yeah. support and yeah, the Jay ko support na, he can turn himself into mvp i know that Renade yeah. and bikes bikes do use orienna yeah. they are, are amazing yeah. Sub <laughs> they are not liking bike rotations but i love He's this bike. sort of rotations एंड टॉकिंग अबाउट आ मी इनका दे टू मेक श्योर दोनों के दोनों बरमुडा का फुल यूज करें पी वी एस गेमिंग अंडर परफॉर्म क्यों कर रही है एफ एफ आई सी के कम्पेरिजन में आई डोंट नो पी वी एस गेमिंग एक मोस्ट डॉमिनेंट टीम वहां करती थी एंड इट वॉज अ ग्रेट कॉन्वर्जेशन इट वॉज अ ग्रेट कॉन्वर्जेशन थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन ओकेट डिस्कशन ग्ले थक यू टू द प्लेयर्स व्यूअर्स एंड फॉर डिस्कशन स्पेशल थैंक यू बिकॉज इट वॉज ग्रेट टाइम इफ यूंट हैव क्वेश्चन ये मेरा शेड्यूल होने में टाइम ही लग जाता है तो आपके आने की वजह से वी कुड मेक श्योर दैट वी डिस्कस्ट